उससे नकवीजी फरमाते हैं जी। फिरा के यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में करा कमाल का मौसम। एनीवेज भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द लेटेस्ट एंड एज वेल एज न्यू व्लॉग। बहुत दिनों का गैप था, व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, वही कुछ कंडीशन थी कि कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से और कुछ मसरूफियत की वजह से, और कुछ मैं थोड़े डिप्रेसिंग मोड में चली जाती हूँ जब भी मौसम की ट्रांजिशन आती है। तो जब वेदर ट्रांजिशन का टाइम आता है, आइदर वो समर से विंटर्स का हो या विंटर से समर्स का हो, बहन आपकी थोड़े डिप्रेसिंग मोड में चली जाती है। बहन का कुछ भी करने को दिल नहीं करता, इसी वजह से कोई भी लॉग रिकॉर्ड नहीं हो रहा आजकल। सारे काम भाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने अंदाजा कर लिया होगा, अगर आप कमाल के रेजिडेंट है तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि आजकल वेदर कंडीशन कोई कमाल की हुई हुई है। मौसम इतना मजेदार हुआ हुआ है, इतना मजेदार हुआ हुआ है, मतलब सुबह सुबह का टाइम है और सही बादल लगे हुए हैं। तीन दिन से तो सही बारिश लगी हुई है कमालिया के अंदर, ऐसे लग रहा है जैसे सारा कमालिया ही साल डूब जाना है। तो बस फिर इसी वजह से आज सुबह सुबह इस किस्म के वेदर में तो ज्यादातर लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सुपीरियर कॉलेज जा रहे हैं भाई। कम्स फर्स्ट, कायदे आजम के फरमान को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो बस यही कुछ मसरूफियत है, आज देखते हैं सारे दिन में क्या क्या रूटीन रहती है आपको अपने साथ। हम लोग एंगेज करते हैं, हाँ उसके साथ मैंने प्रैंक किया था उसको, मैंने अभी तक दोबारा छेड़ा ही नहीं है, वो मेरे साथ मुंह बना के बैठी हुई है तब से। तो चले कोई बात नहीं, उसकी कोई ना कोई कंडीशन माननी पड़ेगी, मानने के बाद फिर हम लोग उसको मना लेंगे। अभी तो सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से तैयारियाँ शैरियाँ करके कॉलेज जाने की हम लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है, पहुँचते हैं, पहुँच के फिर देखते हैं। फिश, बाय बाय, मामा को बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह, आज से साथ काम शाम निपटा के नाश्ता सबसे पहले कर लिया और उससे इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है। जी मैम, कैसा लगा था आपको आपके साथ किया गया प्रैंक? भाई फनी बात नहीं है। नहीं तो मुझे इतना पता, तुझे लगा दो चार मिनट के लिए देखे, मतलब मैं मजाक कर, जिस तरह की तेरी टोन थी मुझे नहीं लगा। जब तूने इसको लिंगर ऑन करना शुरू किया ना, मुझे पता चल गया था मैं तुझे इतनी तेरी रंग से वाकिफ हूँ। मतलब अकॉर्डिंग टू यू उसके बाद तू मेरे, तुझे शर्म तो ना आई जब जैसे ही तुमने अपना लहजा बदला रहा, तुमने कहा जस्ट लो योर टोन, मैंने कहा भी बच्ची ट्रैक से उतर गई है। नहीं नहीं, बीच में मुझे कभी एक बार लग रहा था, कभी एक बार नहीं लग रहा था, जब तुम्हें सत्ता ना मिली होगी शायद इसको वाकई लग रहा है। इससे पहले मेरे का ऑनियन मेरी थोड़ी और ज्यादा बेइज्जती हो जाए, तू लॉयल टोन से आगे बढ़ जाए। मैं सोच सोच के बोल रही थी कि अगर ये हो सकता है, अगर ये प्रैंक हुआ तो, अगर ये ना हुआ तो, क्योंकि मुझे इतना अच्छे तरीके से पता है कि ये अगर प्रैंक ना होता ना तो हमारे अंदर कभी स्ट्रेस की बात हो ही नहीं सकती, और हम कभी कॉल पे तो डिसाइड नहीं करेंगे, तो घर आके मेरा मुंह तोड़ दी। इतना मुझे पता था, फोन क्यों, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था लिटरली। मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, अब तेरी मेरे साथ कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, किसी भी किस्म की। मजेदार प्रैंक था, मजा मुझे आया, तुझे मजा आया? हाँ बहुत। इतना कोई गुस्सा, गिला, शिकवा, मतलब अब और सब सब सेट है? हाँ काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का क्या मतलब होता है, कंप्लीटली सेट होता है या फिर? नहीं नहीं, कोई पेनल्टी तो होती है। किस किस्म का? बिल्कुल सेम ही है। मुझे लगा कि मैं तुझे, मुझे कुछ कहेगी, तू मुझे कुछ खिला दे, कुछ करा दे, इस वजह से तू कर दे। वो तो मैं तुझे खाती रहती हूं। मैं हमाद के साथ सेइंग यस करके पछताई थी। तू, तेरा जितना इवल माइंड है ना, तो उनको भी नेक्स्ट लेवल पे जाती है तेरे साथ। यस करने से पहले हमाद भाई के साथ मैं तुलाती रहूंगी। उन जैसे गड़ी आइडियाज मेरे पास नहीं है। इतना इवल माइंड नहीं, तुझे सेइंग यस करके मैं फंस जाऊंगी गलत। नहीं नहीं, ये अगर तू मुझसे अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहती है तो कितने? बस पांच
तूने उस पांच का जो पहला एक है ना उसी के अंदर तूने कोई ना कोई ऐसा ड्रेस्टिक आइडिया लेकर आना है ना। पांच बस, पांच प्रॉमिस, पांच पांच। अच्छा कैंपस में, घर में या बाहर? जहां मर्जी, कभी कैंपस। डू यू मीन थोड़ा देर 24 आवर्स का सेम ड्रेस करेंगे ना? ऐसा सही है, मत करना कि जिसके बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधू और मैं सुपीरियर से बाहर लाइन में आके जाती नजर आऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर मैं कहीं पे भी कुछ भी कह सकती हूँ। फॉर 24 आवर्स यू हैव टू से यस टू मी। यस हजरा, ओके हजरा, ओके हजरा। सोचने का टाइम दे, सोच या ना सोच करना तो तुम्हें है। कोई और कर ले, देख सही है। मुझे डर लग, लिटरली मुझे तो जहाँ बोलते हुए डर लग रहा है। तुझे मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं है। मुझे तुझ पे इतना ट्रस्ट है, इसी वजह से मुझे डर लग रहा है बोलते हुए। बल्ला तुझे मजा आ जाएगा, व्यूअर्स को भी मजा आएगा और तुझे भी मजा आएगा। चल क्या याद करेगी, नहीं डरती मैं तुझसे। डन सही है, ओके चले भाई। हमारी मैम कितना मान ली, अगर तुझे लगे कि मैंने तेरे साथ सेम यस में ज्यादती की है हाँ। तो नेक्स्ट सेम यस में को डन करा ले। इसकी मैं प्रॉपर तैयारी करके तेरे से कराऊंगी, फिर से पिटेगी नहीं। डन कर, चलो अभी डन हो गया मैम खिजरा के साथ। अब हम लोगों ने सेम यस पहले मैं करूंगी, उसके बाद ये करेंगे, फिर आप लोगों ने बताना है दोनों में से किसका बेस्ट था। ओके डन। 1 hour later ऐसी अजीब क्रिंज औरत है ये। अगर बारिश हो रही है तो किसको उससे एतराज है कि बारिश क्यों हो रही है? अल्लाह पाक मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे टिप टिप बरसते पानी को देख के डिप्रेशन हो रहा है। बारिश बंद हो जाती है, जरा सी धूप निकली है, अब इसको हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। यार चाहती क्या हो तू? बारिश हो रही होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा हुआ होता। हाँ तो होने दो बारिश, अच्छी बात है। थोड़ी बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, पूरा कमालिया डूबा पड़ा है, पानी सड़कों पे गोडे गोडे तक आया पड़े। टिप टिप टिप। और तुझे वो टाइम नहीं आज है, पूरे 2 महीने तुम लोगों ने सड़ती हुई गर्मी खाई है और बारिश नहीं होती थी हमारे में, नेरियां आती थी और नेरियां होकर चली जाती थी तब। Still, हाँ, still. Like तो ये कहते हैं ना शुक्री औरत इफ हैड अ फेस, तो ये उसका होगा। किसी हाल में बंदा खुश नहीं है, बारिश हो तब मस्त है, ना हो तब ये ले चले गई धूप। तू मेरे से लिखवा ले आज फिर बारिश हो रही आज। अच्छा बारिश होगी तो मैं कॉफी पिलाऊंगी, गदर से करवाओ, वो अच्छी भविष्यवाणियां करती है। बस जिंदगी में ही काम रह गए, या जो लेक्चर पढ़ा लो उसके बाद कॉल करो थोक के लिए हासिल। हाँ जी, जो आपकी बारिश हो रही थी ना कमालिये में, कश्तियां चला के बच्चे आए थे आज मेरी क्लास में, कुछ 15 बच्चे एबसेंट है। आज किस लिए एबसेंट है? आउट ऑफ नोवेयर। जैसे कुछ स्टाफ मेंबर्स एक्सक्यूज देते हैं ड्यू टू हैवी रेन वेदर कंडीशंस। मुझे सबसे ज्यादा काम ये लगता है, बैठ के कॉल करने लग रहा हूँ सारा दिन। अल्लाह का शुक्र है मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट हैं, एक ही मैंने बच्चे एब्सेंट है। मुझे सोच के गशी पड़ी है कि मैंने इतनी कॉल कैसे करनी है बैठ के। देख लिख दो सब पे वेदर इशू। आज बारिश नहीं हुई, आज इसकी बख्शिश किसी सूरत में नहीं है। मैं अब चाहती हूँ SLPs खत्म हुए इसलिए नहीं आई। पता नहीं जिस वजह से चलते हैं भाई कॉलेज मेरी तकरीबन हो गई, अब जाके लेक्चर पढ़ाना है, इसके बाद फिर मैं आपको नंबर से डन हो। मैम आप क्या कर रही हैं? मैं पैसे कमा रही हूँ। मैम कहाँ से कितने पैसे कमा लिए आपने? आपको पता है मैंने कुत्तों से 45,000 आ गए कल, अभी पड़े अकाउंट में, निकलवाए नहीं है मैंने। हाँ बच्चा ही डील की थी तो जब मिले ही सिर्फ इस वजह से कुत्ता है क्योंकि तूने हमें फूड डिलीशियस देके जाना था। मैंने कहा था कि अगर अच्छे मिले तो 4,000 फिर मैंने श्योरली लेकर कुत्ते बिक गया, इनकी बिल्लियां बिक गई। अगर मारिया मेरे पास 4,000 मेरे पास 1,000 रुपए मारिया होता ना, मैं तुम लोगों को जरूर खरीद देती। ये चेक, ये है क्या? इट्स ब्लम, इट्स अ गेम। इसमें डेली टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं और यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हैं। ये जो आपके पास बादल आता है, बादल ये जो बम था इससे बचना होता है। A few moments later. सर अब इसको ट्रांसलेट भी कर दे। सर इतना प्यारा मौसम है। सर ने याद नहीं किया, सर इंग्लिश के टीचर है, सर की हमसे इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है। एनीवे सर थैंक यू, सर की इंग्लिश के साथ साथ इसको क्या कहते हैं रूहानियत का जो नॉलेज होता है ना, शोल्डर मेरा जो है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, तो मैं मारिया को टिप्स नहीं दे रही। मैं मारिया, मारिया तो याद नहीं है सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी मैम, इतना प्लेजेंट वेदर है आज, तो हमने आपसे भी एक शेयर सुना है, प्लीज मोहब्बत से बहुत सुने तो ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरी, ये दूसरी जमात के बच्चे को भी आता है एक ही मैम, आप एक शेर सुनाए प्लीज, शेर से बहुत दूर है, शेर सुनो, शेर सुनो, सीता सुना दे लेम जुगा थी, हंसना नहीं था, शेर सुना 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 सुना, सोचना पड़ेगा एक मिनट, कॉल कर, चल, हेलो हेलो लिटिल बर्डी, हाय 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 हाय, कितना मजेदार मौसम हुआ है, बारिश होने लग गई है, अगर मैडम को शेर नहीं मिला ना सुनाने के, अब मूड बना ये स्टार्ट, बारिश शुरू होगी, चलो उसको फुर्सत ही क्या कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं, वाह वाह क्या बात है, बारिश शुरू की बात है, चले भाई अगला व्लॉग हमारा होगा किसका, Saying yes. Saying yes. तब तक ये अपने evil दिमाग को थोड़ा पानी शानी लगा ले, बारिश बाहर होने लग गई, अब हमारे घरों के जाने का टाइम हो गया, रोज छुट्टी के टाइम पे बारिश होने लग जाती है, खैर व्लॉग को ये खत्म करते हैं, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप लोगों में से जितने लोग चाहते हैं सेइंग यस चैलेंज, जितना किस्म का ड्रेस्टिक हो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, टिल द नेक्स्ट व्लॉग गुड बाय, काइंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।